नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी भाईंदर पश्चिम ओबीसी मोर्चा सेल मंडल अध्यक्ष संदीप पिपलिया ने अपना जन्मदिवस बड़े अनोखे तरीके से मनाया। मैं आपको बता दूं कि संदीप पिपलिया ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहीं पार्टी न मना के वरिष्ठों के साथ में समय बिताया। साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ स्नेह सम्मेलन भी रखा था, जहाँ पर कई वरिष्ठों का उन्होंने सम्मान भी किया। उसके साथ साथ वो अनाथ आश्रम गए, वहाँ पर अनाथ आश्रम में उन्होंने राशन दिया, साथ साथ उनके साथ में कुछ समय बिताया, उनके साथ में खाना भी खाया। उसके बाद वो केशव सृष्टि गए, जहाँ पे गायों को चारा खिलाया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह का जन्मदिवस हर कोई नहीं मनाता है, लोग पार्टियां करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप पिपलिया ने अपना जन्मदिवस बड़े अनोखे तरीके से मनाया और लोगों के साथ में उन्होंने समय व्यतीत किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के भाईंदर पश्चिम मंडल के अध्यक्ष मेरे मित्र संदीप पिपलिया जी, आज इनका जन्मदिन है और वाकई के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना जन्मदिन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के कार्यक्रम के साथ में आज मनाने का जो प्रयास किया है, वाकई के अंदर आज मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिक आज उपस्थित थे, उन सभी ने जिस तरीके से संदीप जी को आशीर्वाद दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कुछ खुशियां बांटने का प्रयास संदीप जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि अपने लिए ना जीकर समाज के लिए और लोगों के लिए जो कार्य करता है वही में सच्चा कार्य करता है, और संदीप भाई ने आज वो उदाहरण को जीते जागते इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया है। मैं संदीप जी के आने वाले भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें और तरक्की दे और इसी तरीके से वो राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करे और आगे। तो मैं सभी मेरे भाई बंधुओं को जिन्होंने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जहाँ जहाँ मुझे विश किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि मैंने अपने दिन की जो शुरुआत है, जो मैं जिस मिशन को फॉलो करता हूँ, संत निरंकारी मिशन, वहाँ पर जाकर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद हम, हमारी जो टीम है उनके साथ हम अनाथ आश्रम भी गए और उसके बाद तत्पश्चात हम गौशाला गए, क्योंकि जैसे मेरा जो भाव था कि गौशाला, गौ सेवा ही प्रभु सेवा है, तो वहाँ पर जाकर हमने गौ माता का आशीर्वाद लिया, वहाँ पे हमने कुछ पल बिताए और फिर तत्पश्चात हमने जो एक कार्यक्रम रखा था जो भाजपा पार्टी द्वारा आयोजित था, और वो मुझे मार्गदर्शन जो जिन्होंने दिया, जो मेरे हमारे नेता एडवोकेट रवि व्यास जी और नगर सेविका रीटा शाह जी के नेतृत्व में हमने वो कार्यक्रम किया, और वहाँ पे ही मेरे बर्थडे का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया था। और जो वरिष्ठ नागरिक का जो स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम था, उसमें जो संख्या थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जो मेरे राजकीय जो करियर की शुरुआत है, जो मैंने आज से, ऐसे तो कई टाइम से शुरू कर दी थी, मगर आज जो आनंद महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ, वो देखते ही यही आह्वान करना चाहता हूँ कि जैसे आज का युवा जो अनेक जगह पर जाकर पार्टियाँ करता है वो न करे, और उसके बदले हम जो अनाथ बच्चे हैं उनके बीच जाकर हम कुछ समय बिताए, वरिष्ठ नागरिकों को खुशियाँ दे, और जैसे गौ सेवा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहाँ जाकर अपना ये जो शुभ दिवस है वो मनाए, और लोगों को भी ये आह्वान करें कि आने वाली पीढ़ियों को हमें जो हमारे संस्कार है उसको बरकरार रखने के लिए ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। तो संदीप जी का बर्थडे था, मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था कि मुझे वरिष्ठ नागरिक स्नेह मिलन करना था। भारतीय जनता पार्टी की बैनर तले हम हर साल वरिष्ठ नागरिक का स्नेह मिलन करते हैं। तो संदीप से मेरी बात हुई कि मैडम, मेरा 7 तारीख को बर्थडे है, तो मैं बोला सोने पे सुहागा हो गया, तो एक काम करते हैं कि तेरा बर्थडे का आशीर्वाद भी इन लोग आपको दे देंगे और आपका बर्थडे भी हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, हमारे वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को ये कार्यक्रम हमने डेडिकेटेड किया है कि आने वाले वक्त में हमें एक बार फिर नरेंद्र मोदी और 400 पार का नारा लेके हम वरिष्ठ नागरिकों के पास में हम आज इस सम्मेलन में आए थे। आज हमारा मुख्य विषय वो था और साथ में सोने पे सुहागा मैंने कहा, ऐसा संदीप जी का बर्थडे था, तो सारे वरिष्ठ नागरिक जो हमारे बीच में उपस्थित थे, आज ये सारे लोगों का उन्हें आशीर्वाद मिला और इनके बीच में संदीप ने जो अपना जन्मदिन मनाने का संकल्प किया वो मुझे काबिले तारीफ है। और सही में बहुत
अच्छी चीज आज उन्होंने यंगस्टर को दी है कि माँ बाप, वरिष्ठ नागरिक बोलो तो माँ बाप होते हैं, और माँ बाप का आशीर्वाद के साथ में आज मैं इतना भी कहना चाहूंगी कि उससे अपना राजकीय जीवन की पहली सीढ़ी होती है, पहला पैर होता है, पहला कदम होता है, वो संदीप ने आज अपने राजकीय जीवन का पहला कदम उठाया वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद लेकर। आने वाले वक्त में उनका राजकीय जीवन खूब विकासमय और प्रगतिशील रहे और वह सारा अचीवमेंट करे, ऐसी शुभकामनाएं मैं उनको देती हूँ। आने वाले वक्त में वो हमारे शहर के नगर सेवक के रूप में भी वो स्थान प्राप्त करे, ऐसा मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। हमारे मित्र संदीप पिपलिया जी का जन्मदिन है, हमने आज उनको जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं दी। आज उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। सारे हमारे भाईंदर वेस्ट के सीनियर सिटीजन लोगों को बुला के उनके उनकी खुशी में अपनी खुशी देखी और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और लोगों ने उनको खूब धन्यवाद दिया और उनको उनके ऊपर बधाई दी।